नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एनडीए में रार मच गई है, क्योंकि जेडीयू पर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर प्रहार किया और ये कबूल लिया कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी नेता का बयान सामने आ गया है। मंत्री का भी बयान सामने आ गया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके विभाग में ही भ्रष्टाचार है। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद अपने नेताओं से घिरते जा रहे हैं और खुद उनके ही घटक दल, उनके ही परिवार वाले उन पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मैं पारिवारिक किसी पृष्ठभूमि की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि राजनीति परिवार में जिस तरीके से उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे खुद नीतीश कुमार घिरते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी उन पर सवाल किया जा रहा है और इसके साथ चुटकी भी ली जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि आप तो मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, आपको इसे पब्लिक डोमेन में रखने पर शर्म आती है, आपके पास जवाब नहीं है, तो कम से कम अपने घटक दल के नेताओं का तो जवाब दे दीजिए। वो भी आप पर सवाल उठा रहे हैं, तो लोक हित में आकर उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने बयान में क्या कुछ कहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है, मुख्यमंत्री जी विपक्ष के तर्क और तथ्यपूर्ण सवालों का कभी भी उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं होता। अगर विपक्ष का जवाब देने में किसी प्रकार की बची खुची प्रतिष्ठा का क्षरण होता है, तो अपने सबसे बड़े सहयोगी और उनके मंत्रियों की आशंकाओं का ही लोकहित में जवाब दे दीजिए। तो अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सजेशन दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे सवालों का जवाब तो आप नहीं देते, बल्कि आप मुद्दे से भटक जाते हैं, तो कम से कम बीजेपी नेता और मंत्री जिस तरीके से आप पर सवाल पूछ रहे हैं, आप पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें तो जवाब दे दीजिए। आपको बता दें कि सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपराध के मुद्दे पर सवाल उठाया था और ये कबूला था कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने एक कहानी भी पोस्ट की थी और कहा था कि मैं कार्यवाही करूंगा और इसको लेकर आगे पत्र भी जारी किया जाएगा। तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने भी अपराध के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मेरे विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो जिस तरीके से ये बातें सामने आई, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं और बिहार की सियासत भी गर्मा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे पर चुटकी ली और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे सवालों का जवाब तो नहीं देते, कम से कम उनके घटक दल के सवालों का जवाब तो दे दे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।